कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू अनंतर व्लॉग। सो आज हम जा रहे हैं एसआर के मॉल, जिसे सर मल्टीप्लेक्स भी कहते हैं, जो कि आगरा मथुरा हाईवे पर है। तो बिना देर किए चलिए चलते हैं एसआर के मॉल। तो गाइस, अब हम घर से निकल चुके हैं और अभी हम हैं आगरा मथुरा हाईवे पर। तो इस हाईवे से अब हम जाएंगे सिकंदरा की तरफ। तो आप देख सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा ही सिकंदरा है। तो मैं आपको हमारे चैनल की आने वाली वीडियोस में सिकंदरा का भी फुल टूर दूंगी, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो अब हम जा रहे हैं भगवान टॉकीज़ की तरफ, क्योंकि जो हमारा एसआर के मॉल है वो भगवान टॉकीज़ में ही है। तो अभी हम उधर ही जा रहे हैं, चलिए चलते हैं। अब आप ये देख सकते हैं, ये है आगरा का गुरु का ताल गुरुद्वारा। ये गुरुद्वारा बहुत ही फेमस है। साथ में आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर है। सच में दूर दूर से लोग इस गुरुद्वारे को देखने आते हैं। मैं आपको इसका भी फुल टूर दूंगी आगे आने वाली वीडियोस में। तो अब हम अपने चलते हैं आगे। जो ये देख रहे हैं ये है ब्रिज। ये आगरा में नया नया बना है, इसकी वजह से आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सुविधाएं बढ़ गई हैं। इसकी वजह से ट्रैफिक बहुत कम हो गया, क्योंकि आधे लोग यहाँ ऊपर से जा सकते हैं, साथ में आधे लोग नीचे से जा सकते हैं। इस वजह से ट्रैफिक काफ़ी आधा आधा हो गया है। ऐसे ही आगरा में कई सारे कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, जिस वजह से आगरा में धीरे धीरे सुविधाएँ बढ़ती जा रही हैं। अब हम फिर चलते रहते हैं आगे अपने डेस्टिनेशन की तरफ। तो आप ये जो देख रहे हैं ये है सर मल्टीप्लेक्स या एसआर के मॉल। तो ये अभी रोड की दूसरी साइड है। तो पहले हम भगवान टॉकीज़ के चौराहा पे आएंगे। तो ये जो आप पूरा देख रहे हैं भगवान टॉकीज़ का चौराहा है, जो कि ऊपर पुल के नीचे बना हुआ है। तो अब हम यहीं से, आप ये यू टर्न का बोर्ड देख रहे हैं ना, तो अब हम यहीं से यू टर्न लेके दूसरे रोड पर जाएंगे और वहीं से हम जाएंगे अपने एसआर के मॉल में। तो ये हमने यू टर्न ले लिया है। आप लोग आज का मौसम भी देख सकते हैं, कितना अच्छा मौसम है आज का। अब हम दूसरे रोड पर ही चल रहे हैं। तो अभी आप ये जो देख रहे हैं, यस, ये देख सकते हैं, ये पूरा ही एसआर के मॉल का बाहर का व्यू है। तो आप इसको अभी अच्छे से देख लीजिए, पूरा सर्व मल्टीप्लेक्स के बाहर का पूरा व्यू। अब हम आ गए हैं एसआर के मॉल। तो आप देख, अभी हम यहाँ पर पहले कार पार्क करेंगे। तो कार पार्किंग का प्राइस है ₹50। तो हम वही ₹50 देके अब हम लेंगे अपने टोकन कार पार्किंग का। उसके बाद हम जाएंगे कार को पार्क करने। ये पूरा ही आप देख सकते हैं एसआर के मॉल का बाहर का व्यू। तो अब हम इसी रास्ते से बेसमेंट की तरफ जाएंगे, यानी ग्राउंड फ्लोर में, और वही है हमारा पार्किंग लॉट। आप ये देख सकते हैं पार्किंग एंट्री का साइन भी लग रहा है। हम यहीं पार्किंग लॉट में जाएंगे और अपनी कार को पार्क करके। तो गाइस, मैं आपको वीडियो में हर चीज़ का टूर देने वाली हूँ, इसलिए आप वीडियो के साथ बने रहिए। अब हम लिफ्ट से जा रहे हैं ऊपर। मैं आपको पूरे एसआर के मॉल का डिटेल व्यू देने वाली हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये ऊपर से एसआर के मॉल का व्यू, ये पूरा ही मैंने ऊपर से कवर किया है, तो आप पूरे को देख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये पूरी ही पोस्टर गैलरी है। यहाँ पर जो मूवीज़ रिलीज़ होने वाली हैं उनके सभी टाइप्स के पोस्टर्स लग रहे हैं। साथ में एक दो पोस्टर्स उन मूवीज़ के भी हैं जो मूवीज़ रिलीज़ हो चुकी हैं। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ कितने सारे इस तरफ पोस्टर्स लग रहे हैं। साथ में इसकी जो दूसरी तरफ है वहाँ भी कुछ पोस्टर्स लग रहे हैं। तो पूरी एक तरीके से पोस्टर गैलरी बन गई है। आप इन पोस्टर्स के सामने खड़े होकर कई सारी पिक्चर्स खिंचवा सकते हैं। देखिए, आप इस तरीके से कई सारी पिक्चर्स खिंचवा सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ से भी दिखा दूँ, आप देखिए पूरे एसआर के मॉल का व्यू ऊपर से। ये अभी यहाँ पर दिन हो रही है, तो आगे आप पूरा दिन में एसआर के मॉल कैसा लगता है इसका व्यू देख लीजिए। फिर मैं आपको आगे नाइट व्यू भी दिखाऊंगी। तो ये है हमारा टिकट काउंटर। तो जो लोग ऑनलाइन टिकट बुक नहीं कराते, वो यहाँ पे आके भी टिकट बुक करा सकते हैं।
और आप ये जो देख रहे हैं यह लेडीज़ चेक पॉइंट, साथ में जो दूसरा है वो है जेंट्स चेक पॉइंट। तो आप इन्हीं चेक पॉइंट से होते हुए यहाँ अंदर आएंगे। ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा सीक्रेट्स ऑफ डंबलडोर का पोस्टर है। आप ये देखिए कितने सारे पोस्टर्स ही पोस्टर्स लग रहे हैं यहाँ पे। यही साथ में यहाँ जगह जगह चेयर्स भी डली हैं ताकि आप यहाँ रेस्ट कर सकें। और गाइस मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि SRK मॉल में अभी अभी नया लाउंज एरिया, पार्टी हॉल, साथ में बच्चों के लिए किड्स एरिया, ये सभी ओपन हुए हैं। तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, बर्थडे पार्टीज वगैरह कुछ भी करना हो, छोटा मोटा फंक्शन, तो यहाँ आराम से किया जा सकता है। साथ में मूवीज़ देख के इंजॉय भी कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा लग्जरी टाइप एरिया, इधर ही है हमारे 3D मूवीज़ का हॉल। तो यहीं पे आप 3D मूवीज़ देख सकते हैं। 3D मूवीज़ का प्राइस है ₹500। अगर आप नॉर्मल बॉलीवुड या मूवी देखने आए हैं तो उनका प्राइस कैटेगरीज़ में डिवाइडेड है। तो वो तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक जो मतलब तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड है, उनके प्राइजेज हैं 300, 150 एंड 100 रुपीज़। और ये जो आप देख रहे हैं पूरा SRK मॉल का थिएटर के बाहर का पूरा एरिया का लुक है। यहाँ पे भी जगह जगह पे सोफेज, स्टूल्स, चेयर्स डली हैं ताकि आप रेस्ट कर सकें। अगर मूवी शुरू नहीं हुई हो तो आप उससे पहले यहाँ पे आके रेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी कई सारे पोस्टर्स लग रहे हैं, आप ये पूरा व्यू देख सकते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा ही यहाँ पे फूड काउंटर, फूड एरिया है। और यहाँ पे आप ये मेन्यू बोर्ड्स भी देख सकते हैं, तो आप यहाँ पे हर चीज़ का मेन्यू देख सकते हैं। सारी इस चीज़ का मेन्यू आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, उनकी प्राइजेस वगैरह भी। सेलिब्रेशन हो रहा है, साथ में आप जिस जगह पे बड़े सेलिब्रेशन उस जगह का एरिया भी देख सकते हैं। जो यहाँ पे सोफेज वगैरह डले हैं वो रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन दिया गया, साथ में पूरी ही वॉल्स को रेड और वाइट का लुक दिया गया। तो ये एरिया भी बहुत ही सुंदर लग रहा था, काफ़ी अच्छा एरिया है। साथ में हम यहाँ पे पिक्चर्स भी खिंचवा सकते हैं और आप यहाँ पे ऐसे सेलिब्रेशन भी कर सकते हैं, उसके बाद आप मूवी देख के इंजॉय भी कर सकते हैं। सो पूरा ही फुल इंजॉयमेंट की जगह है ये। अब ये देखिए, अब हम आ गए थिएटर के अंदर। तो ये पूरा ही यहाँ पे थिएटर है जहाँ रेड और ब्लू कलर्स की लाइट लगी हुई है ज़्यादातर, और वही रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। ये आप देख सकते हैं पूरा ही थिएटर है। तो अब हम चलते हैं ऊपर अपनी, जहाँ पे हमारी चेयर्स बुक है वहाँ चलते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये हम यहाँ पे जुक जुक जियो मूवी देखने आए थे जो कि अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है, तो हम वही देखने आए थे और आप उसका छोटा सा व्यू देख सकते हैं। ख़त्म हो चुकी है और अब हम आ चुके हैं बाहर। तो इस समय अब रात हो चुकी है, तो आप पूरा ही SRK मॉल का नाइट व्यू देख सकते हैं। तो अभी हम ऊपर ही हैं, तो अभी आप ऊपर से पूरा व्यू देख सकते हैं, उसके बाद मैं आपको नीचे से भी व्यू दिखाऊंगी।
तो आप ऊपर से देख सकते हैं अभी वैसे तो ज़्यादातर शॉप्स क्लोज हो चुकी हैं, पर फिर भी कुछ शॉप्स खुली हुई हैं और आप यहाँ पे पूरा नाइट व्यू देख सकते हैं। तो आप ये देखिए यहाँ पे जगह जगह शॉप्स और लाइटिंग से कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए ये है टॉय ट्रेन, तो अभी तो ये टॉय ट्रेन खड़ी है लेकिन जब ये चलेगी तब मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। यहाँ पे हर टाइप की आपको शॉप्स शोरूम्स मिलेंगे, तो आप यहाँ पे आके शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये पूरा ये SRK मॉल फुल एंजॉयमेंट एरिया है, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। शॉपिंग आप हर तरीके की कर सकते हैं, साथ में रेस्टोरेंट्स भी हैं, मूवी थिएटर भी हैं हर तरीके के, जगह जगह रेस्टिंग एरियाज हैं, फूड एरिया भी है, साथ में बच्चों के लिए किड्स एरिया है, आप छोटा सेलिब्रेशन भी कर सकते हैं, हॉल्स भी हैं। सो आपको हर तरीके की चीज़ यहाँ पे मिलेगी, इसलिए छुट्टियों में आप यहाँ भी आ सकते हैं। ये देखिए ये सामने रेस्टोरेंट है, ये पूरा ही आप यहाँ अभी ऊपर से व्यू देख सकते हैं नीचे का। यहाँ पे है ये खूमर ट्रेडिशनल थाली रेस्टोरेंट, तो आप इसके नाम से ही देख सकते हैं, साथ में आप यहाँ लुक भी देख सकते हैं, पूरा ही राजस्थानी लुक है और नाम भी इसका राजस्थानी ही है। गाइस अब हम आ चुके हैं नीचे, तब आप यहाँ नीचे से देख सकते हैं, साथ में जो टॉय ट्रेन है वो भी चल रही है, ये आप देख सकते हैं टॉय ट्रेन। इस टॉय ट्रेन में बच्चों को बहुत मज़ा आने वाला है, इसमें 3 तरह के कंपार्टमेंट्स दिए गए हैं और ये पूरे ही नीचे वाले एरिया में, पूरे ही नीचे वाले एरिया का राउंड लगाने वाली है टॉय ट्रेन। सबसे ज़्यादा एंजॉयमेंट वाली है ये टॉय ट्रेन, यहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा इस टॉय ट्रेन में ही एंजॉय करने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं ये है लिफ्ट, सो ये जो लिफ्ट है ये इधर से ओपन है, ओपन मीन मतलब जैसे शीशा लग रहा है एक तरफ से, तो ये आप पूरा बाहर का व्यू भी देख सकते हैं। और ये आप देखिए नीचे से किस तरीके का लगता है, अभी देखिए आप इस लिफ्ट से ऊपर ही नीचे जा सकते हैं, साथ में आप इससे पूरा व्यू भी देख सकते हैं। तो ये टॉय ट्रेन का दूसरा राउंड, सच में मुझे ये टॉय ट्रेन काफ़ी पसंद आई, ये सच में एक डिफरेंट चीज़ है जो कि इस मॉल में है। तो गाइस ये था पूरा SRK मॉल का डिटेल व्यू, सो अब हम वापस घर जा रहे हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये SRK मॉल कैसा लगा, और हाँ मैं आपको अगले वीडियोस में आगरा की और भी कई सारी चीज़ों की व्यू पूरा डिटेल तोड़ दूंगी, इसलिए आप चैनल के साथ बने रहिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी कर दीजिए। ओके गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।